आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार की। किसी व्यक्ति को चोट लगने, दुर्घटना होने या आग लगने पर तुरंत मेडिकल सहायता की जरूरत होती है। इसके लिए पहले प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ती है। यदि चोट लगी है तो घाव से बहते खून को रोकने के लिए डॉक्टर के पास ले जाने से पहले पट्टी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आग लगने पर जले व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार दिया जाए, यह जानकारी ही एक EMT टेक्नीशियन दे सकता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि गहन चिकित्सा में ले जाने से पूर्व दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होना चाहिए? किसी घायल की हालत और गंभीर होने से पहले उपचार देना, घायल व्यक्ति को जल्दी डॉक्टर तक पहुंचाना, घायल व्यक्ति को आराम और सांत्वना देना। यह जरूरी नहीं कि फर्स्ट एड देने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित व्यक्ति हो, पर ऐसी स्थिति में समझदारी का प्रयोग करना चाहिए और डॉक्टर तक घायल को पहुंचाने के लिए धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए। फर्स्ट एड एक महत्व। कुछ दुर्घटना मामूली होती हैं और कुछ गंभीर। हल्की चोटें तो साधारण आदमी या घर में भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन गंभीर चोट डॉक्टर के पास जाकर ही ठीक होती है। घायल व्यक्ति स्वयं डॉक्टर के पास जाने में असमर्थ होता है और उस वक्त किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं। चोट लगने और डॉक्टर के पास जाने के बीच की जो अवधि होती है, उस अवधि में फर्स्ट एड देकर ही उसके घावों की मरहम पट्टी की जानी चाहिए। इसीलिए यह आवश्यक है कि फर्स्ट एड पहले हो। ऐसा करने से घायल व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दर्द कम महसूस करेगा। फर्स्ट एड घायल को गंभीर अवस्था में जाने से रोकता है। पहला काम घायल का जीवन बचाना होना चाहिए। डॉक्टर को घायल के पूर्व की अवस्था की जानकारी जरूर दें ताकि वो शीघ्र ही उपचार कर सकें। एक असरदार फर्स्ट एड कैसा होना चाहिए, किस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये सारी तकनीक हम एक कोर्स के अंतर्गत सीखते हैं जिसे EMT कोर्स कहा जाता है। अगर आप भी EMT कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरा मेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।